दोस्तों आप देखेंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है। तो बेसिकली ये छोटी मधुमक्खियों का शहद का छत्ता है। तो मेरे फूड फॉरेस्ट गार्डन में यहाँ मधुमक्खियों का जो छत्ता लगा हुआ था, तो आज हमने थोड़ा सा छत्ता काटा हुआ शहद खाने के लिए। तो हमने बिल्कुल ताज़ा शहद खाने की सोची, तो अभी हम लोग ये छत्ता काट के तो इसको रेलिश कर रहे हैं। तो हमारे फूड फॉरेस्ट में ये जो मधुमक्खियाँ पिछले 2-3 सालों से रहती है, और हम लोग इनके लिए खूब सारे फूल सब्जियाँ फल लगाते हैं ताकि इनको जो पोलन है और नेक्टर मिल सके। तो आप भी अगर अपने फूड फॉरेस्ट में ये सारी सब्जियाँ लगाएंगे तो मधुमक्खी रहने आएंगे और आप शहद खा सकते हैं।